फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ शारजा के अल मैडम में, अल मैदाम जिसको बोलते हैं। और ये एक विलेज है जो पूरी तरह से रेत में दबा हुआ है। इसको इसीलिए वजह से लोग घोस्ट विलेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से बरीड है। इस गांव के हर घर में पूरी तरह से रेत भर चुका है। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं मस्जिद, जो इस गांव की, इस विलेज की मस्जिद है, इस कम्युनिटी की। पर यहाँ पे भी कोई नहीं रहता, कोई यहाँ पे किसी तरह की एक्टिविटी नहीं है। ये पूरा गांव खाली है, और पूरे गांव के हर घर में, हर कमरे में, हर बाथरूम, हर किचन में पूरी तरह से सैंड भर चुका है। बल्कि सैंड जो है, रेत जो है, इतना ऊपर जा चुका है कि छत जो है उसकी, वो छत भी डूब चुकी है। तो इसी वजह से शायद इस जगह को लोग घोस्ट विलेज के नाम से बुलाते हैं, जो कि इसका ऑफिशियल नेम नहीं है। इस जगह का ऑफिशियल नेम है अल मैदाम इन शारजा, और इसको लोग घोस्ट विलेज, बरीड विलेज इस नाम से भी बुलाते हैं। और मेरे साथ भी आए हैं तमिल ट्रैकर भुवानी ब्रदर भी आए हुए हैं, और वो भी यहाँ पे अपना वीडियो व्लॉग बना रहे हैं, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा उनके चैनल पर, तमिल ट्रैकर पर। तो आप लोग भी ज़रूर उनका चैनल देखिए और सब्सक्राइब करिए। ये बात कनेक्शन होंगे, करंट कनेक्शन है, எல்லாம் இருக்கு வீட்டுக்குள்ள। होप नो वन, नो स्नेक, नथिंग हियर। नो स्नेक, नो ओके, ओनली घोस्ट वी वी कैन फाइंड। See, the dunes are actually touching the roof. Yeah. It's one room, that's another room. Yeah. It's going? Yeah, of course. Yeah. Can do. Yeah. Are you still looking for me? Are you still looking for me? तो भाई, जगह ही बड़ी डरावनी सी लग रही है, पूरे डेजर्ट के बीच में। बहुत कम लोग हैं, कुछ लोग आए हैं यहाँ पे शूट करने के लिए, कुछ लोगों ने काफ़ी सारा रिकॉर्ड भी किया है। या इज अमेजिंग शूट टुडे। या तमिल ट्रैकर भाई को भी बहुत मज़ा आया, और ही सेड कि ही लव्ड द प्लेस। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है, आई एम श्योर उसके चैनल पर आप देखिएगा। एंड दिस प्लेस इज डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग गाइज। इट्स 75 kilometers फ्रॉम दुबई, बट या जस्ट 45 minutes ड्राइव, एंड इट्स रियली वर्थ इट। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इट, सो आप लोगों को जरूर आना चाहिए और जरूर देखना चाहिए इस जगह को। கோஸ்ட் வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூகுளில் எடுத்திங்கன்னா உங்கள் டீட்டெயில் எல்லாமே வந்துடும், எப்படி போகணும் அப்படின்றது கூகுள் மேப்லேயே காமிச்சிது. ஸோ அதை வச்சு தான் நானும் வந்து நீங்களும் அதை பார்த்து வந்துடலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சி யூ, பாய் ஃப்ரம் போனி, பாய் ஃப்ரம் வகித்ரோ. ஹலோ, பாய் பாய். They think like, oh, this guy shouting. Coming back now? Yeah, just make it.
यह है दोस्तों यहाँ की मस्जिद। और अभी एक घंटे में सनसेट होने वाला ही है। और यहाँ के ड्यून्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ की सैंड जो है येलो ड्यून्स है, तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत व्यू भी है यहाँ पर। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस टू कम हियर एंड रिकॉर्ड थिंग्स। மண் அதிகமா வரனால வந்து இங்க உள்ள மக்கள் வீடு கட்டினவங்க எல்லாமே இங்க இருந்து போயிட்டாங்க, அதனால இதை வந்து கோஸ்ட் டவுன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உள்ள என்னென்ன இருக்கு, அவங்க பெட்ரூம் பாத்ரூம் எல்லாமே வந்து அப்படியே இருக்கு. அப்படியே ஒண்ணு பார்க்கலாமே. This is bathroom, kitchen, yes. Kitchen. Bathroom or kitchen? No, no, this is bathroom. There is a bathtub. Okay. Yeah, it's a bathroom. Okay, let's go. Yeah. We'll have to clean it later. Our, mine is, look, look at my, my this one. So, this is the bathroom. I'm going to watch it. I'm going to watch it. Light is on. Bathtub is here. ஃபுல்லா மண் வீடு ஃபுல்லாவே மண் வந்து பாருங்க. இங்க வந்து டெய்லியா வந்து அதிகமா மண் வரனால வந்து டெய்லியா அங்க கிளீன் பண்ண முடியல. அதனால பாத்தீங்கன்னா இங்க யாருமே வசிக்கிறது கிடையாது. அதனா வீடு लोगों का जूस आ गया, अभी हम लोग पी रहे हैं। मेरा मैंगो जूस, तमिल ट्रैकर भाई का एप्पल जूस। रियली इट्स विद आइसक्रीम भाई, इसमें आइसक्रीम है। देयर इज आइसक्रीम इन दिस, हाँ देयर इज आइसक्रीम इनसाइड और जूस ओनली। ओके So this is he put ice cream. So it's better or? I don't know what is the reason of putting ice cream in the juice. My God. What's the reason of it?